हेलो फ्रेंड्स, हिमाचल स्टडी हिल्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे पोस्ट कोड 940 के बारे में, जो है असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर का। तो ये जो एग्ज़ाम है, ये आज 8 मई के दिन 2022 को ये कंडक्ट करवाया गया है, और इवनिंग सेक्शन में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। तो इसका हम GK सेक्शन ही अभी कवर करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो मैं, अगर किसी का कमेंट आया तो मैं, हो सकता है इसका साइंस सेक्शन भी इसका मैं सॉल्व करके डाल दूं, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर था। तो ऐसे में नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स में होते हैं उनकी थोड़ा संख्या थोड़ी कम रहती है, तो इस वजह से हम लोग ज़्यादातर आंसर की का ही वेट करते हैं। तो हम GK सेक्शन चलिए शुरू करते हैं। GK सेक्शन तो 122 क्वेश्चन है, 122 क्वेश्चन है, रेयन रासायनिक रूप से है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूलोज। 123वां क्वेश्चन, केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, 310। 124वां क्वेश्चन, मलेरिया रोधी औषधि में प्रयुक्त यौगिक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोक्वीन। तो 125वां क्वेश्चन, कैल्शियम की मात्रा अधिकतम होती है, तो सी सोर्गम में सबसे अधिकतम होती है, कौन सा सिंधु घाटी स्थल नहीं है। तो ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र, इसका राइट आंसर होगा। 127 क्वेश्चन, प्रारंभिक बौद्ध धर्म का मरम था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, इच्छा का परित्याग। 128 क्वेश्चन, कौन सा गुप्त शासक एक दक्ष वीणा वादक था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। 129 क्वेश्चन, किसने सभी सिखों को एकजुट किया और पंजाब में एक साम्राज्य की स्थापना की। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराजा रणजीत सिंह। 121 क्वेश्चन रह गया था, इस 121 क्वेश्चन रह गया था, दिया सलाई में फास्फोरस का कौन सा रूप प्रयुक्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल फास्फोरस, इसका राइट आंसर होगा। 130वां क्वेश्चन, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर होगा आगरा में। 131 क्वेश्चन, निशांत गार्डन किसने बनाया था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, ये इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर फिलहाल आप ऑप्शन नंबर डी सही मान सकते हो, लेकिन इसका जो राइट आंसर था वो आसिफ खान करके था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल आप शाहजहाँ को ही मानो। 132 क्वेश्चन, प्रेस का परिमोचक लिबरेटर के रूप में किसे नामित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेटकॉफ। 133वां क्वेश्चन, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विच इज़ नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कौन सा संविधान की निकाय नहीं है। तो आप देखें कि इसमें नीति आयोग एक संविधानिक निकाय नहीं है। संसद का 135वां क्वेश्चन, संसद का उच्चसदन कौन सा होता है। तो आप जानते हैं कि राज्यसभा संसद का उच्चसदन कहलाता है। 136 क्वेश्चन, RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 137वां क्वेश्चन, जब ग्रीनविच पर दोपहर है तो किस यमोत्तर रेखा पर 4 PM होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 138वां क्वेश्चन, द डोल्ड्रम इज एन एरिया ऑफ डोल्ड्रम, एक क्षेत्र है। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, निम्नदाब का। बोन इज द कैपिटल ऑफ, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 140वां क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना रोंगटोंग कहाँ स्थित है। तो ये अपने हिमाचल प्रदेश में स्थित है, अफ्रीका में किलिमंजारो एक है। तो किलिमंजारो एक पर्वत शिखर है। 142 क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस पोषित मुख्य ऊष्मीय शक्ति स्टेशन कहाँ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नारकाटिया। फ्लेज फेयर इज हेल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 144 क्वेश्चन, किस रियासत में डॉक्टर YS परमार ने जिला अफसर न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। तो सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर डी, सिरमौर सही होगा। 145वां क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस जिले ने अपने रुमालों के लिए ख्याति हासिल की है। तो चंबा का रुमाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 146वां क्वेश्चन, मृकुला देवी टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लाहौल स्पीति। 147 क्वेश्चन, सुमन रावत ने किस वर्ष में परशुराम अवार्ड जीता। तो सी आंसर सही होगा, 1987। 148वां क्वेश्चन, गी हिमाचल प्रदेश के किस जिले के लोगों का लोक नृत्य है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, वैसे तो शिमला होना चाहिए, तो शिमला ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर सिरमौर होना चाहिए, क्योंकि सिरमौर और शिमला के जो लोग रहते हैं वो काफ़ी सेम है। 149 क्वेश्चन, अरनी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा वैसे कांगड़ा, तो कांगड़ा यानी कि पालमपुर, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हिमाचल प्रदेश के कोल बांध जल विद्युत परियोजना की कार्यकारी एजेंसी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, NTPC।
151वां क्वेश्चन, कुकती वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश की किस तहसील में है? तो आप जानेंगे कि ये है हमारे भरमौर चंबा में। जब 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा दिया गया है तो यह भारत का कौन सा राज्य बना? तो 18वां राज्य यह बना था। सॉरी 153 क्वेश्चन, 1805 में कांगड़ा पर किसने आक्रमण किया था? ठीक है, तो आक्रमण किया था अमर सिंह थापा ने। 154 क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो इसका राइट आंसर होगा पंडित जयवंत राम। 156 क्वेश्चन, ब्यास नदी का वैदिक नाम है? तो इसका नाम है अरिजी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 157 क्वेश्चन, कुनियार घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? तो ऑप्शन ए सही होगा, सोलन जिले में ये है। अब कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन है, किस संस्था ने आनंदा नामक मोबाइल ऐप प्रारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, LIC। 159 क्वेश्चन, किस देश ने निश्चित किया कि 996 का अतिकालिक प्रयोग अवैध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना। 160वां क्वेश्चन, किस वर्ष को भारत के नेतृत्व में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी 2023, इसका राइट आंसर होगा। 161वां क्वेश्चन, दृश्य उसी प्रकार प्रकाश से संबंधित है जैसे श्रवण संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना चाहिए, ध्वनि। तो 162वां रीजनिंग का, तो आप इसे सॉल्व कर लें। 162 क्वेश्चन, सॉरी 163 क्वेश्चन, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज? ऑप्शन नंबर ए ग्रामर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 164 क्वेश्चन, एंटोनियम ऑफ डियर इज? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वर्थलेस। 165 क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर रूम विद टॉयलेट फैसिलिटी इज? ये लेबोरेटरी होता है, ऑप्शन नंबर सी। 166 क्वेश्चन, लेट मी एक्वांटेंस हिम डैश द टॉपिक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 167, व्यतीत का संधि विच्छेद है? तो व्यतीत का संधि विच्छेद या तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा या फिर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। तो वैसे ए ज़्यादा सही लग रहा है मेरे को, तो आप चेक कर लीजिएगा प्लीज़। यदि इन दोनों में से कोई नहीं है तो आप कमेंट में बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो 168 क्वेश्चन, पंचपात्र में समास है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, वैसे इसका द्विगु होना चाहिए लेकिन द्विगु ऑप्शन में नहीं है। 170वां क्वेश्चन, पवित्र में प्रत्यय है? तो इसमें जो प्रत्यय होगी वो इत्र होनी चाहिए, इत्र है, इसका राइट आंसर होगा सी। 171वां क्वेश्चन, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध मठवासी थे? तो पद्म संबर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऐसा कहा जाता है कि डैश के शासनकाल के दौरान ईसाई धर्म का प्रचार करने संत थॉमस भारत आए थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, पर्थियन। 173वां क्वेश्चन, पृथ्वी द्वारा सूर्य की प्रक्रिया में लिए गए समय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय खगोलक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भास्कराचार्य। 174वां क्वेश्चन, कृष्ण देव राय ने किसके साथ मैत्री संबंध बनाए थे? तो पुर्तगालियों के साथ इन्होंने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे। बीरबल किसके दरबार में सलाहकार थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर के दरबार में, इसका राइट आंसर होगा अकबर। 176 क्वेश्चन, किस सूफी की दरगाह अजमेर में? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो करो और मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है, सभी जानते हैं। 178 क्वेश्चन, 1920 में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 179 क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति का लोकप्रिय नारा था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 180वां क्वेश्चन, संविधान में भारतीय लोकतंत्र के मूल्यों को हम कहाँ देखते हैं? ठीक है, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना इसका राइट आंसर है। 181वां क्वेश्चन, समिति जो भारत के नियंत्रण ए महालेखा परीक्षक के अंकेशन की रिपोर्ट जांच करती है? तो ऑप्शन नंबर सी लोकलेखा समिति इसका राइट आंसर होगा। 182 क्वेश्चन, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के पद धारण करते हैं? तो ये 62 वर्ष की आयु तक पद पे बने रहते हैं। 183 क्वेश्चन, भारत में सभी संशोधन प्रारंभ किया जा सकता है? तो भारत में जो संशोधन है वो संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 184 क्वेश्चन, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती है? तो काल्पनिक रेखाएं जो है वो ऑप्शन बी देशांतर सही होगा। ITCZ का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भागों की ओर कौन सी पवन बहती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 187। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर पाई जाने वाली मृदा, तो सभी जानते हैं कि लैटेराइट मृदा, क्योंकि ये चाय वगैरह के लिए भी उपयुक्त होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
188 क्वेश्चन, अनामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा तमिलनाडु में। 189 कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है, तो इडुक्की क्योंकि ये केरल में है। 190 क्वेश्चन किस स्थान पर जर्मनी की सहायता से इस्पात व लौह उद्योग स्थापित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा राउरकेला। 191 क्वेश्चन समांतर अर्थव्यवस्था अथवा काले धन की उपस्थिति है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 191 तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मौद्रिक नीतियों को कम प्रभावी बनाती है। तो 192 क्वेश्चन भारत में बैंक दर कौन निर्धारित करता है, तो ऑप्शन सी RBI इसका राइट आंसर होगा। 193 क्वेश्चन व्यापारिक लेन देनों से सकल विक्रय राजस्व पर प्रभारित कर कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टर्नओवर टैक्स। 194वां क्वेश्चन विनिवेश है, तो विनिवेश क्या होता है, जब हम सरकार के अंशों को निजी कंपनी के हाथों में हम ऑफलोड करना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 195वां क्वेश्चन कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, क्योंकि बाकी आप देखें कि माल परिवहन और बैंकिंग ये सभी तृतीय क्षेत्र से आते हैं और कपास जो है वो प्राथमिक क्षेत्र से आता है। 196वां क्वेश्चन विटामिन ई इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 193वां लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रियाकलाप के द्वारा, सॉरी थोड़ा आज फोन में कुछ डिस्टरबेंस के कारण, ठीक है, फोन में डाटा काफी हो गया तो कई बार खुद ही हैंग हो जाता है। 197 क्वेश्चन होगा अति उच्च तापमान मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 198 क्वेश्चन कौन सी एक अक्रिय गैस है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आर्गन। 199 क्वेश्चन हर्म्स मिशन विच वाज इन न्यूज इन रिसेंटली, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा USA नासा के द्वारा ये मिशन लॉन्च किया गया है। तो 200वां क्वेश्चन कौन हाल ही में 21 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले प्रथम पुरुष टेनिस स्टार बने हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा राफेल नडाल। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारे पेपर का एनालिसिस जीके सेक्शन का। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत दे दिया तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में राइट आंसर जवाब दे दें, उसके बाद मैं कमेंट को पिन कर दूंगा। ठीक है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, इस चैनल पे आपको जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे वो आपको अच्छे एनालिसिस के साथ और बिल्कुल मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक्यूरेसी के साथ उसे अपलोड करूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।